नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम लोग बैंकिंग मॉड्यूल में देखते हैं इनकमिंग पेमेंट एंड आउटगोइंग पेमेंट कैसे होता है। तो इनकमिंग पेमेंट के लिए उस केस में होता है जब हम कोई भी सामान किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो हमें क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ जो मटेरियल हम सेल कर रहे हैं कुछ पेमेंट हमें वो करेगा, जो उसके सेलिंग प्राइस होंगे वो हमें पेमेंट करेगा। तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट से लोग होते हैं वो पेमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या होता है उसको आज हम लोग देखते हैं। तो हम आएंगे सबसे पहले इनकमिंग पेमेंट पे आएंगे। इनकमिंग पेमेंट पे आप ये टैब इस तरह से ओपन हो के आएगा। फर्स्ट आप क्या करेंगे कि कस्टमर कोड लेंगे, यहाँ पे टैब करेंगे, टैब बटन दबाने से आपके कस्टमर ओपन हो जाएंगे। सपोज दैट ये हमारा कस्टमर है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके जो भी बिल बन चुके हैं, जो इनवॉइस हो चुका है या रिवॉइस हो चुका है वो यहाँ पे दिखेगा, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है गोल्डन कलर का, इस पे आएंगे। ये पेमेंट मीन्स कहलाता है, इसमें हम जाएंगे और इसमें हम डिटेल डालेंगे कि पेमेंट जो लेंगे हम कैसे लेंगे, चेक से लेंगे, बैंक ट्रांसफ़र लेंगे, क्रेडिट कार्ड से लेंगे या कैश से लेंगे। अगर चेक से आपको लेना है तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट है। तो कंट्रोल बी करेंगे ऑटोमेटिकली तो वो अमाउंट फेचअप हो जाएगा। यहाँ पे आया अमाउंट, अमाउंट आने के बाद किस बैंक में लेना है आप वो डालेंगे, ठीक है। तो ये आप उसमें डाल दीजिए कि जैसे इसमें हाउस बैंक बना हुआ है उसके ब्रांच डाल दीजिए, ब्रांच क्या है। उसके बाद फिर उसमें अकाउंट डाल दीजिए और आप ऐड कर देंगे चेक नंबर, यहाँ डाल देंगे चेक नंबर डालने का, ऐड कर देंगे तो आपके इस तरह से चेक से पेमेंट हो जाएंगे। और ये बात की चेक से जो पेमेंट होगा वो अमाउंट जाएगा। इसके लिए आपको, अगर आप चेक से पेमेंट कर ले रहे हैं तो चेक से पेमेंट लेने पे के लिए आपको जो पार्टी है उसकी अकाउंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं। अगर बैंक ट्रांसफ़र की बात है तो बैंक ट्रांसफ़र में आएंगे, यहाँ पे हम जीएल अकाउंट लेंगे कि किस बैंक का, पर सभी बैंक के जीएल अकाउंट बनेंगे। तो सपोज दैट मैंने एसबीआई लिया, ये हमारा एसबीआई बैंक है, इसमें हमें टाई अप हो गया। ट्रांसफ़र डेट, जिस डेट में हम ट्रांसफ़र पैसे ले रहे हैं वो, तो ये हो गया, ठीक है। रेफरेंस, अगर कुछ रेफरेंस आपको डालना है तो रेफरेंस डाल सकते हो। डालने के बाद आप यहाँ पे आइए, कंट्रोल बी कीजिए, बी फोर बंद, तो ये बैलेंस आ जाएगा। ये इसलिए नहीं आ, क्योंकि चेक से हमने पेमेंट पहले सेक्शन ले लिया था इसलिए नहीं आ रहा। तो एक टाइम में एक ही पेमेंट सेक्शन चलेगा, सभी नहीं चलेंगे। तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जीएल अकाउंट लिया हमने, जीएल अकाउंट यहाँ पे डालेंगे हम एसबीआई, ये हमने डाल दिया। यहाँ पे ट्रांसफर डेट सपोज दैट आज है तो ये डाल दिया, उसका जो भी रेफरेंस हमें डालना है डाल देंगे। यहाँ पे क्लिक करें कंट्रोल बी, बी फॉर बॉम्बे करेंगे तो जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारे यहाँ टैप करेंगे। सपोज दैट कुछ बैंक चार्ज आपको चार्ज करने तो यहाँ पे आप वो भी पुटअप कर सकते हैं। सपोज दैट 200 रुपीज़ बैंक चार्ज है तो वो भी आप इसमें पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। अब आप जनरल एंट्रीज का ओपन करके देखें, तो जनरल एंट्री जब ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा कि क्या अकाउंट इम्पेक्ट जा रहा है। ये देखें, अब क्या हुआ, ये जो आपका बैंक अकाउंट है कंपनी की वो आपका डेबिट हो गया, बैंक चार्ज जो पेड किया आपने 200 वो भी डेबिट हो गया, और जो हमारा कस्टमर है वो क्या हो गया, इस अमाउंट से क्रेडिट हो गया। पहले भी हमने बताया कि जब भी कोई देता है हमें पेमेंट करता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, और जो जिसको पेमेंट जाता है वो डेबिट होता है, यानी कि उसकी लायबिलिटी बन जाती है उसको उसके बिहाफ पे मटेरियल सेल करने का, ठीक है। तो बिल के बिहाफ पे ये हो रहा है, तो इसीलिए ये जनरल एंट्री आपको देखना, याद रखने के कि जनरल एंट्री ही मेन है इसमें अकाउंट इम्पेक्ट जो होता है अकाउंट वालों के लिए, तो ये चीज़ें आपको ट्रांजेक्शन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रिमार्क डालने हैं रिमार्क डाल दीजिए, रिमार्क डालने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप इस कस्टमर को लेंगे तो यहाँ पे उसके बिल कुछ नहीं दिखेगा। सपोज दैट हमने फिर से उसी कस्टमर को ले लिया, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके कोई भी ड्यू बिल नहीं है, ये पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी हमने जो पेमेंट किया था वो ये पेमेंट है, तो पेमेंट हो चुका है इसकी, तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी जनरल एंट्री दिखा रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये जो अभी हमने पेमेंट किया था वो ये दिखा रहा है कि उसी पार्टी ने जो पेमेंट कर रखा है वो दिखा रहा है, ठीक है।
ये क्या है आपका टोटल अमाउंट ड्यू, ये बैंक चार्ज का दिखा रहा है, नेगेटिव है -200 है, जो बिल अमाउंट कितना था उसमें बैंक चार्ज नहीं लगा हुआ था, हमने बैंक चार्ज लगाया तो इसीलिए नेगेटिव में दिखा रहा है, मतलब कि ये हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया इसीलिए नेगेटिव में दिखा रहा है, अगर बिल में इंक्लूड होता बैंक चार्ज तो ये आया था, तो यहाँ पे नहीं दिखता, तो ये है, तो ये रिकनसाइल जब होगा तो ये कम्पनसेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इनकमिंग पेमेंट, किससे देखा आपने, आपने देखा चेक से देख लिया, बैंक से देख लिया। अगर आपको कैश लेनी है तो आप क्या कीजिए, इसका तो कोई बिल है नहीं, आप टैप कीजिए, ठीक है, कोई भी कस्टमर सिलेक्ट कर लीजिए, देखता हूँ ये है, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए ये नंबर्स ऑफ बिल्स है, जितने भी बिल है इसमें 50 100 जितने भी होंगे, जिस बिल के आपने पेमेंट लेना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक तरह से आएंगे इस पे आ जाइए, इस पे आने के बाद अभी हमने चेक बैंक हो गया, अब हम कैश पे आएंगे, कैश अमाउंट जो हमारा GL अकाउंट है इसको मर्ज करेंगे, कैश इन हैंड, तो ये हमारा हो गया कैश इन हैंड, कैश अकाउंट हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल बी कर देंगे, बी फॉर बंदिंग, ये हमारा अमाउंट आ गया, आने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद जब आप जनरल एंट्री देखेंगे तो ये देखिए कैश अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया, पेमेंट आ गया, और ये जो आपका कस्टमर है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसको हम जैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ रिमार्क डालना है आप डाल दीजिए, डालने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये आपका पेमेंट कम्प्लीट हो गया। अब अगर आप इस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जो कस्टमर है गांधी, आप उसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी पेमेंट उसके ड्यू नहीं है, इसलिए अब नहीं दिखाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ गांधी, इसमें है ही नहीं क्योंकि इसके पेमेंट नहीं है बाकी बचे हुए, इसलिए हमें इसका कोई भी बिल नहीं, इस तरह से पेमेंट। और दूसरा केस होता है कि डायरेक्ट पेमेंट आप ले रहे हैं, तो डायरेक्ट पेमेंट के केस में आप यहाँ पे आएंगे, पेमेंट मीन्स यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सपोज दैट आपको चेक से लेना है या जिससे भी लेना है आप ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे GL अकाउंट डाल देंगे जिस बैंक में जाना है, और फिर उसके बाद चेक नंबर डाल के पेमेंट लेंगे। अगर बैंक से लेना है तो आप बैंक अकाउंट का GL अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जनरली बैंक से ही होता है, SBI आपने लिया, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट के केस में यहाँ पे ट्रांसफ़र डेट डाल देंगे, ट्रांसफ़र डेट डाला, यहाँ पे कुछ रेफरेंस डालना है तो डाल देंगे, और जितना अमाउंट आप ले रहे, सपोज दैट मैं इससे 50,000 पेमेंट ले रहा हूँ पेमेंट, तो ये हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे, अब ये जनरल इंट्रीज का चेक कीजिए, जनरल इंट्री जब आप चेक करेंगे ये देखिए 50,000 से क्या हो रहा है, हमारा बैंक जो है कंपनी का वो डेबिट हो रहा है और वो पार्टी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से जब आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैश पेमेंट आ जाएगा डायरेक्ट पेमेंट करके, ठीक है। तो ये था आपका इनकमिंग पेमेंट। अब हम लोग देखते हैं आउट गोइंग पेमेंट, ये तो आपने कस्टमर से पेमेंट लिया, जब हमें पेमेंट करना किसी भी वेंडर से हम मटेरियल मंगा रहे हैं तो उसको क्या करना होगा, हमें पेमेंट करना होगा, तो उस केस में हम आएंगे यहाँ पे उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी वेंडर है वेंडर को सिलेक्ट किया, सपोज दैट वाली है, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही सिलेक्ट करें उसके जो भी बिल ड्यू है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप इसमें से दो बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो ये दो बिल हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद GL अकाउंट मैप है इस पर बैंक डोमेस्टिक बैंक, तो आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, ये गलत मैप है, आप इसमें आ जाइए, जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं SBI या SDFC जो भी है उसका GL अकाउंट बना होगा, आप इसको ओके कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफ़र डेट डाल दीजिए, कौन सा डेट है डाला आपने, फिर उसमें अगर आप इसमें कुछ रेफरेंस डालना चाहते हैं डाल दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कंट्रोल बी करेंगे, ये अमाउंट आ गया, आने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका अब आप जनरल एंट्री चेक कीजिए, जनरल एंट्री में देखिए आपका एक बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है और जो पार्टी है जो हमारा वेंडर है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, वेंडर को पैसे जा रहे हैं हमारे अकाउंट से, पैसे हमारे अकाउंट से जा रहे हैं किसको, वेंडर को जा रहे हैं, तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, हमारे अकाउंट से निकला तो क्रेडिट हो गया, और वेंडर क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया। तो इस तरह से हम जब ऐड करेंगे तो हमारा ये पेमेंट हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है तो सेम केस है, आपने किसी भी पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, सपोज दैट मैंने ले लिया ये पार्टी को लिया, ठीक है, इसको डायरेक्ट पेमेंट करनी है, डायरेक्ट पेमेंट के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जितनी भी पेमेंट करनी है ट्रांसफ़र डेट डाल देंगे, रेफरेंस डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, सपोज दैट मैंने एक
लाख रुपये डाल दिए, इसको डालें, ठीक है। डालने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट पेमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनकमिंग और आउट गोइंग पेमेंट करते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, चेक फॉर द पेमेंट, वायर चेक फॉर द पेमेंट, चेक फॉर द पेमेंट ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, इनकमिंग पेमेंट कैसे होगा और आउट गोइंग पेमेंट कैसे होगा, ये चीज़ें हमने देखा है। सिंपल चीज़ें हैं और आपके इजी है, तो आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 5997413 2, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। 25 फरवरी से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इन द इवनिंग नाइट में हमने स्टार्ट करेंगे, नाइट में एवरी डे 1 आवर का मंडे टू फ्राइडे हम सेशन लेते हैं। इसमें काफ़ी लोग ज्वाइन कर रखे हैं, तो 25 से हम बैच स्टार्ट करें। जिनको भी ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना सकूँ। अगर कोई ऐसी वीडियो है जो रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि मुझे ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, तो मैं वो वीडियो बना के